ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे ने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक ऐसा फेस पैक जो आपके चेहरे को बना देगा बिल्कुल चमकदार, निखारेगा आपके चेहरे को, और साथ ही अगर आपके दाग धब्बे और चेहरे पर कालापन है तो उसे भी ये दूर करेगा। तो इसे कैसे बनाना है, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच दही और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच बेसन। बेसन हमारे चेहरे के लिए बिल्कुल वरदान ही हम कहते हैं। बेसन हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो दही भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें देना है। और साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ा सा गुलाब जल, मैंने इसमें डाला है, और साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच नींबू का रस। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप नींबू का रस जो है वो अवॉइड कर दें, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसके अंदर नींबू का रस आपको डालना है, बट अगर स्किन ड्राई है तो वो नींबू का रस इसमें ना डालें इस फेस पैक में। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बादाम का ऑयल, ये 2 बूंद मैंने इसमें बादाम का ऑयल डाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे फेस को निखार देंगी, और इसे आपको यूज़ करना है हफ्ते में 2 बार, और आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। तो इसे लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ले, साफ़ कर ले, पानी से अच्छे से धो के अपने फेस को अच्छे से साफ करना है, और उसके बाद हमें इसे अपने फेस पे इस तरह से लगाना है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम, आपके जो फेस की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकता है। अगर दाग धब्बे हैं आपके फेस पे, कालापन है, सन टैन हो गया है बहुत ज़्यादा धूप में निकलने से, तो उस पर भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको करेगा। तो पूरे फेस पे भी इसे अच्छे से लगा लेना है, और नेक पे भी लगा लेना है, और फिर इसे कम से कम 10-15 मिनट आपको फेस पे रखना है इसको। और 15 मिनट रखने के बाद जब ये हल्का हल्का सूख जाए, पूरा तरह से नहीं सुखाना है इसे, और फिर इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से रब करते हुए निकाल लेना है, मसाज करते हुए निकाल लें, और फिर अपने फेस को जो है ठंडे पानी से वॉश कर लें, और आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा डेफिनेटली कुछ ही हफ्तों में।